और अब बात बढ़ती ठंड की। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। राज्यवासियों को अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना समेत 6 जिलों में कोल्ड डे है। उत्तरी पछुआ और उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण राज्य में कनकनी है। मौजूदा स्थिति यह है कि 20 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। गया सबसे ज्यादा ठंडा है। मंगलवार को गया का तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। गौतम, मौसम विभाग का कहना है कि जो ठंड है वो 3 दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगी, और मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिया है, कब तक इसी तरह का मौसम बना हुआ रहेगा? देखिए, पछुआ हवाओं का जो असर है, बर्फीली हवाओं का ये असर कह सकते हैं, और जो हिमालय के क्षेत्र में जो बर्फबारी हुआ उसके कारण जो है ये स्थिति बनी हुई है। और इसके कारण से जो 2 से लगभग 3 दिन आज ये मिला के कहा जा सकता है कि पटना समेत पूरे सूबे में जो जो एक शीत लहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। टेम्परेचर जो है 10 से नीचे चला गया। कल की अगर बात कर ली जाए तो 10 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर रहने वाले अगर जिलों की बात करें तो वो 26 थी। आज भी वही स्थिति बनी हुई है और सुबह से ही जो है अभी 10 डिग्री के टेम्परेचर जो है सुबह में है। तो यानी कनकनी जो है बहुत बढ़ी हुई है और लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ये साफ कर दिया कि 2 से 3 दिनों तक ये हालात बने रहेंगे। जिला प्रशासन भी जो है इसको लेकर जो है अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह से सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों की संख्या है पटना में खासकर, वैसे स्थिति में है उन्हें अलाव की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अगर नहीं मिलेगी तो उनको रात काटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से ये कोशिश होती है कि वैसे लोगों को कंबल वितरण किया जाए, अलाव जलाया जाए। कल खुद पटना के जिलाधिकारी कई जगहों पर मॉनिटरिंग किए जहां पर लोगों की जो कही जाते हैं रात में उठने बैठने और रहने की जो सड़क किनारे एक संख्या ज़्यादा होती है। और पटना के हम गांधी मैदान इलाके, यहाँ रिक्शा पुलर्स और जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग ऐसे जगहों पर रहते हैं को देखते हुए। देखिए, यहाँ भी जो है एक रैन बसेरा बनाया गया है। देखिए, इस बार और इसके पहले जो रैन बसेरा था, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा दें, जो बनाया गया है बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी बेहतर व्यवस्था इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं जो रहने वाले लोगों के लिए, वो आपको मैं दिखा दूँ तस्वीर पे। अभी सुबह में कोई नहीं है क्योंकि सब लोग जो है अपने काम पर चले गए हैं। अलाव के लिए लकड़ी जो है यहाँ पर दिया गया है, ये लकड़ी आप जला सकते हैं यहाँ पर रात के समय। हालांकि देखिए, 10 डिग्री से टेम्परेचर नीचे होता है तो ये स्थिति रहती है कि आप दिन में भी अगर आप रहते हैं तो आप लकड़ी जला सकते हैं। यहाँ पर देख रेख के लिए कुछ लोग हैं, पानी है यहाँ पर, आपको यहाँ पर तकिया बेड, रुको एक मिनट रुको, क्या क्या कुछ, ये कितने लोग हैं, सब भरा हुआ है बेड? 25 है, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ। कौन कौन लोग रह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो सब आदमी आते हैं, कौन कौन आएगा? 25 ही आदमी है या मतलब और भी ज्यादा लोग आते हैं? नीचे उच्चे सो जाते हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ रहा, नीचे भी सो जाते हैं। नीचे भरा हुआ है ठंड के कारण लगता है, इस बार संख्या भरा रहता है। हाँ, ठंड में बढ़ा हुआ है। लकड़ी उकड़ी जलाने के लिए कब कब बोला गया है, सुबह रात कब? ये तो हमको नहीं पता भैया, हमको ड्यूटी है यहाँ 6 बजे से 2 बजे तक। कम्बल उम्बल देते हो? कम्बल उम्बल हाँ, इन लोगों को कम्बल मिलता है ना? हाँ मिलता है, शाम में मिलता है, शाम को मिलता है। और ये लकड़ी ये जो रखा गया जलाने के लिए, वही रात में जलता है, भोर में जलता है। तो देखिए, 25 लोग तो है बेड जो बनाया गया है, मगर जो स्थिति ये है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड होने के कारण जो है देखिए लोगों को एक एक आश्रय के रूप में जो है यहाँ पर नगर निगम की तरफ से ये जगह दिया गया है। देखिए, हमारे पीछे भी आप तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि एक खाना बनाने वाला एक चूल्हा जल रहा है, रोड पर ही दुकान है ये जो लगती है, तस्वीरों में हम आपको देखा, वहाँ भी जो लोग हैं बैठ कर आग के नीचे इंतजार कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ठीक हो जिसके बाद वो अपने काम पर लौट सकें। बहुत सारे ऐसे लोग जो ठंड के कारण सड़क पर भी नहीं निकल रहे हैं तो काम की भी दिक्कत हो गई, मगर रोजाना है चलना खाना पीना है तो वो स्थिति में किसी बिल्कुल गौतम ये तो स्थिति हो गई है ठंड के प्रचंड कहर से कि लोगों को जहां अलाव मिलती है, जहां व्यवस्था मिलती है, वो वहीं पर आग की तपिश लेने की कोशिश करते हैं। गौतम, बारिश होने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया था कि बारिश भी हो सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, क्या वाकई बारिश होगी? देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्ब जो हुआ था उसके पहले भी जो है पटना समेत बिहार के कई जिलों में जो बारिश का असर देखने को मिला था, उसी के बाद से जो है ये ठंड बढ़ी थी। अब फिर से जो है वैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, वेस्टर्न डिस्टर्ब को लेकर मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है और उसके बाद जो बारिश होने की जो बात कही जा रही है,
20 से 21 तक जो है बिहार के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। हालांकि ये अभी कंफर्म अभी मौसम विभाग ने नहीं किया है कि किन किन जिलों में ये बारिश की संभावना रहेगी, मगर हाँ ये जरूर है कि बारिश हो सकती है। और अगर ऐसी स्थिति में बारिश होती है तो ठंड और बढ़ेगी, कनकनी और बढ़ेगी, फॉग जो है विजिबिलिटी जो है वो कम होगी। हालांकि देखिए इस मौसम में अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें विजिबिलिटी जो है वैसी नहीं कम हुई है, जिस कारण से जो कहा जा सकता है कि लोगों को सड़कों पर चलने में कोई दिक्कत नहीं, गाड़ियों के परिचालन में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनें जो चल रही हैं उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, प्लेन्स भी जो है वो लगभग समय पर आ रही है मगर कुछ प्लेन जो है लेट चल रही है। हालांकि देखिए जब बारिश हुई थी तो मौसम विभाग ने यह अलर्ट किया था कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी और 500 मीटर से भी कम होने के बाद जो है सीधा इसका असर जो है परिचालन पड़ता है। तो ये बिल्कुल तो ठंड का प्रचंड कहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारियों के लिए।